हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आपको पता ही होगा आज हम बहुत टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला। हमारी कंटिन्यूसली ड्यूटी होती है हॉस्पिटल की, जैसे कि आदिल भाई की भी ड्यूटी होती है। गुड मॉर्निंग तो बोल दे। गुड मॉर्निंग। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। आदिल भाई की ड्यूटी होती है ऑर्थो वार्ड में और मेरी है सर्जिकल वार्ड में। तो आज हम आपको डायरेक्ट दिखा देंगे हमारी ड्यूटी कहाँ होती है हॉस्पिटल में। और हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से, पहले तो हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से सारे व्यूअर्स को। हाँ जी गाइस, तो अभी हम आए हैं सर्जिकल वार्ड में जहाँ पे आजकल हमारी ड्यूटी चल रही है। और अभी हमारा टाइम था मेडिकेशन का, और अभी तक मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हम हॉस्पिटल में भी व्लॉग करेंगे। अब हम आपको दिखा देंगे कि मेरी ड्यूटी कहाँ है। तो ये हमारा नर्सिंग रूम जहाँ पर हम होते हैं, और इसके बाद हमें जाना है क्योंकि कल दिवाली की छुट्टी पड़ने वाली है और हम जा रहे हैं यहाँ से छुट्टी। तो बच्चे सभी घर जा रहे हैं, हम तो यही है, हम चले जाएंगे जून या विंटर वेकेशन में। तो अभी मैं पहले आपको दिखा दूंगा हमारा ये सर्जिकल वार्ड कैसा है। तो गाइज़ ये है हमारा सर्जिकल रूम, नर्सिंग रूम, सर्जिकल वार्ड का जो नर्सिंग रूम है, यहाँ पे हम बैठते हैं। ये हैं दो लॉकर जिसमें मेडिकेशन होती है, ये और ये, और ये हैं ये सारे फ्लूड्स, ये सारे फ्लूड्स हैं जो हम लगाते हैं। इसमें रखते हैं हम इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स रखते हैं, इसमें भी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स रखते हैं। ये आप देख सकते हो कि हमने इसको कैसे कैसे डिनोट किया है। इसमें रखे हैं बीटी सेट, आईवी सेट, और ये हैं इमरजेंसी ट्रे। अभी के लिए हमारी ड्यूटी हो गई है ख़त्म, हमने मेडिकेशन कर लिया। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। तो आज जा रहे हैं हम दिल दोस्ती चाय में, जो यहाँ पे नया कैफ़े खुला है। हमने वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप पूरा वीडियो भी बना देना। आज हम जा रहे हैं पूरे दोस्तों लोगों के साथ वहाँ, और आपको भी लेके चलते हैं। आज आपको दिखाएंगे दिल दोस्ती चाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये है हमारा पहला रूम, जो सर्जिकल वार्ड का जो पहला रूम है, और ये है आउट में पेशेंट। ये हाँ है, फिजिशियन के कुछ पेशेंट होते हैं, लेकिन ये आजकल खाली है। ये नर्स है हमारे साथ, मैम जो हमारे साथ काम करती है, मैम हमारे साथ काम करती है। हमने मेडिकेशन कर ली, मैम कह रही है सभी को हैप्पी दिवाली। तो यहाँ से हमारा है ओटी, तो यहाँ से जा रहे हैं हम घर। तो गाइस हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये देख सकते हो आपकी मार्केट में कितनी चहल पहल थी दिवाली के रिलेटेड। सभी लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे और मार्केट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और मेरे दोस्त भी यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रहे थे, हम आपको आगे दिखा देंगे। ये देखो हमारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं दिवाली शॉपिंग। ओए नेहा, क्या खरीद रही है तू? मैं कपड़े खरीदती। नेहा स्वेटर खरीद रही है क्योंकि कल इन सबको घर जाना है, और आज हमारी स्पेशल पार्टी और स्पेशल थोड़ा घूमने को जाना है। हाँ जी गाइस, तो अभी हम पहुँच गए वापस रूम पे, ड्यूटी से हम डायरेक्ट रूम पे आ गए। और आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट में कितनी चहल पहल चल रही थी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं डायरेक्ट दिल दोस्ती चाय की ओर, और मैं अपने साथ मोनू भैया को भी उठाऊंगा क्योंकि मैं और मोनू भैया हमेशा यहाँ पे जो भी नया कैफ़े खुलता है तो वहाँ जाते हैं। और ये आदिल भाई भी आ गए। आप कहाँ गए थे? डीडीसी। आदिल भाई भी चले गए क्योंकि हमें साथ में ही जाना था पूरी क्लास को, लेकिन हमारी ड्यूटी थोड़ी देर तक चलती रही क्योंकि हमारे वार्ड में ज़्यादा नर्सेस नहीं ड्यूटी थी, और आदिल भाई पहले ही निकल गए थे। कैसा मज़ा आया आदिल भाई पार्टी में? एकदम मज़ा आया है, मस्त है, मस्त बनाया ना। तो अब हम दोस्तों को भी दिखा देंगे। तो अभी चलते हैं हम मोनू गए की दुकान पे पहले, उसके बाद हम निकल जाएंगे। ये हमारी लाइन है सिनेमा लाइन, पिथौरागढ़ की सबसे फेमस जगह, कॉलोनी वाइज यहाँ पे लोग हैं। ये हमारे दादा है जिनके पास हम सामान वामान लेके जाते हैं। ये रहे नाविद भाई जिनके पास हम हेयर कटिंग के लिए आते हैं।
अब हम डायरेक्ट आपको मिलते हैं मोनू भैया की दुकान पे। गाइस ये हमारे मोनू मामा, ये है मोनू मामा हमारे, बहुत टाइम बाद जसपुर से मोटे आए हैं, शादी में गए थे, बिरयानी खा ली। किसी को भी फर्नीचर ऑर्डर करना हो तो मोनू भैया से कांटेक्ट कीजिएगा। चलो जा रहे हैं। ये देखो गाइस, अभी भी यहाँ गन्ने का जूस चल रहा है। जैसे कि हमारे कश्मीर में आज बर्फ़ पड़ रही है, सोनमर्ग में जैसे बर्फ़ पड़ी, और यहाँ से अभी भी गन्ने का जूस भेज रहे हैं भैया। गाइस तो मोनू भैया का वेट करते करते मोनू भैया ने लेट कर दिया, 4:30 बजे से अभी 6 बजने को आ रहे हैं और मोनू भैया अभी तक नहीं आए। तो अब मैंने गाड़ी निकाल दी है, मोनू भैया दुकान पे हैं, अगर आएंगे तो ठीक है, वरना मैं मोनू भैया को छोड़ के चले जाऊँगा। अभी हमने ऑर्डर करा है पनीर पिज़्ज़ा प्लस हॉट कॉफ़ी और सैंडविच और साथ में मोमोस। अभी भैया शुरुआत कर रहे हैं पिज़्ज़ा की, भैया ऑरिजिनल छिड़क रहे हैं इस पर। यहाँ चाहे हम करेंगे सप्लाई, अरे हमारे भैया पहले पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे और रिव्यू देंगे। भैया कैसा है भैया? मनु भैया अब आप टेस्ट करो, अब अपना रिव्यू दे दो आप। दिल से कमेंट बोलना, कैसे है? दिल से कमेंट बोल रहा हूँ, बढ़िया है, चाय छुट्टा सा चाय है। चलो थैंक यू। कर चुका पहले। ये लीजिए आपका ऑर्डर सर। पांच का है? ओ चलो पांच को ले लीजिए चाय भैया, आप भी हो गए ना। अरे तुम चार लोग हैं, कॉफी और ये भी है ना चाय। ये मोनू भैया का कसूर है। गाइस इसमें चॉकलेट कॉफी कौन सी है? शायद ये अलग है ना। कौन कौन सी बोली आपने? गाइस हम कंफ्यूज है, चॉकलेट कॉफी कौन सी है? भैया को चॉकलेट कॉफी पी ली है, हमारी दो चाय है और हमारी हॉट कॉफी और इस भैया की दो चाय है। भैया ने दो चाय ऑर्डर करी क्योंकि एक से इनका चलता नहीं है, और ये हमारे भैया इन्होंने चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करी और कुछ और पी रहे हैं, हॉट कॉफी पी रहे हैं। हॉट कॉफी बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। क्यों भैया आपको कैसी लगी चाय? साथ में हमने मोमोस और सैंडविच भी इसके साथ रखे हैं। तो गाइस डीडीसी के बाद हम डायरेक्ट आ गए हैं रॉयल सिनेमा, जहाँ पे मूवी देखने के लिए।
ये रही एंट्री रॉयल सिनेमा की। यहाँ से आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर जी। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे कटा रहे टिकट। पहुँच गए हम सिनेमा हॉल में जी। आज ये देखो यहाँ पे हमारे बगैर और कोई नहीं है, पूरा हॉल हमने ही बुक कर रखा है। भैया से पूछते हैं डॉक्टर जी को, कैसे जोश भाई की बिल्कुल फ्यूचर की कहानी है ये। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे साथ होता है पास्ट इसी भाई का, पास्ट की भी कहानी है, फ्यूचर की भी कहानी है। सही है, इसी में जाते हैं पहले हम बाहर निकलते हैं, आप नहीं करते। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो पहले आप नहीं, इसलिए चाहिए ना लोगों को, चाहिए कि थोड़ा अपने आप को अडॉप्ट, मतलब ये मॉडिफाई करें। लोगों को देखना चाहिए कि मेल भी डॉक्टर हो सकता है। लेकिन गाइस मैं सबको सजेस्ट करता हूँ एक बार डॉक्टर जी देखिएगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में भी होते हैं जैसे इसमें दिखाया गया। डेफिनेटली देखिएगा और मूवी एंजॉय कीजिएगा।